Hello guys, I am Meetu and welcome to my channel Sucharita's Hyderabad Kitchen. So friends, खाना कोई भी हो उसके साथ अगर ये थोड़ा सा चटपटा पिकल हो जाए तो खाने का टेस्ट तो डबल हो जाता है. तो चलिए आज हम बनाएंगे ये चटपटा सा टमाटो पिकल. तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है. सबसे पहले ऐसे ताजे ताजे टमाटर लेंगे, उसको कट कर लेंगे, फिर उस पर डालेंगे सॉल्ट और ये टमरिंड, फिर इसको ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख लेंगे. नेक्स्ट है, देखिए टमाटर से कैसे ज़्यादा पानी आ गया है. तो सारे पानी को हम लोग डिस्कार्ड कर लेंगे और इसको रफली ग्राइंड करेंगे. सो हियर आई हैव टेकन 3 kilos ऑफ टोमेटोज टू मेक दिस पिकल. देखिए मैंने कैसे रफली ग्राइंड किया है, ऐसे ही आपको ग्राइंड करना है. फिर एक बड़े से कढ़ाई में हम लोग लेंगे लॉट्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल और उस पर डालेंगे लॉट्स ऑफ गार्लिक. मैंने यहाँ पे 6 whole garlic लिया है. फिर इसको थोड़ा ऐसे फ्राई कर लेंगे. देन वी विल एड ऑल द टोमेटोज पेस्ट वी हैव मेड. देन वी विल एड टर्मरिक पाउडर एंड लॉट्स ऑफ रेड चिली पाउडर. पिकल में थोड़ा सा तीखा ज़्यादा होने से और भी टेस्टी हो जाता है. तो एज मच एज यू वॉन्ट द टेस्ट टू बी, यू कैन एड दैट मच ऑफ रेड चिली पाउडर. फिर देन वी विल एड सम ब्लैक सॉल्ट हियर एंड सम क्यूमिन पाउडर. देन वी विल एड 1/4 teaspoon ये हींग. ये टेस्ट को भी बढ़ाता है और प्रिजर्व भी करता है. तो जब ये ऐसे बॉयल होने लगे इसको कवर कर लेंगे और कुक करेंगे. ऑलमोस्ट 40 minutes बाद आप सब देख सकते हैं ये कैसे रिड्यूस हो चुका है और ऑयल्स भी सेपरेट हो चुके हैं. अब इसको और थोड़ा सा कुक करेंगे. जब ये हो जाए तो इसको फिर तड़का लगाएंगे. ये टेम्परिंग करने के लिए हम लोग लेंगे ये सौंफ, रेड चिली और ये करी लीव्स. फिर इसको ऐसे ऐड कर देंगे. उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा मेथी पाउडर. मेथी डाल के हम लोग कूप नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट को बिटर बना देगा. इसको बाद में ऐड करेंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे. लीजिए फिर हमारा ये पिकल रेडी हो गया. आप इसको जिसके साथ चाहें खा सकते हैं और ज़बरदस्त होता है टेस्ट. आप सच में इसको बनाइए घर पर और एक बार देखिए. यू कैन स्टोर दिस पिकल इन द रेफ्रिजरेटर फॉर अ ईयर. एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.